हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है अबाउट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कैसे हुई, उसका चार्ज बाय मास रेशो क्या था, उसके ऊपर चार्ज कैसे फाइंड हुआ, उसके ऊपर सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं। अगेन, अगर हम बात करते हैं एक एटम की, तो हमें पता है कि जो एक एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर होती हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट में होती हैं शेल्स, और उन शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम का स्ट्रक्चर तो हमें पता है, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये जो एटम का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोटॉन्स कैसे डिस्कवर हुए एंड फाइनली न्यूट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो उस प्रोटॉन की डिस्कवरी से पहले इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे, ठीक है, ओके। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, हमें पता है और साइंटिस्ट को भी पता था कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ऐसा क्यों? अब फॉर एग्जांपल, अगर ये पेन है, अब इसके पास भी एटम्स होंगे, अगर हम इसे टच करते तो हमें कोई करंट नहीं लगता, राइट। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, अगर तब हम इसे टच करेंगे तो हमें कोई ना कोई स्पार्क या हमें कोई ना कोई करंट फील जरूर होगा, राइट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, साइंटिस्ट को ये पता चल गया था कि हाँ जी, एटम के पास एक कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल डेफिनेटली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है तो मुझे किसी भी चीज़ को टच करते हुए करंट क्यों नहीं लग रहा, कि अगर सभी नेगेटिवली चार्ज है तो हमें करंट क्यों नहीं लग रहा। तो इसका मतलब क्या था कि साइंटिस्ट के दिमाग में ये आया कि अगर इसके ऊपर हमें टच करने से कुछ भी करंट नहीं लग रहा, दैट मीन्स ये न्यूट्रल है, और हमने अभी तक डिस्कवरी करी है सिर्फ नेगेटिव पार्टिकल की, यानी कि अब यहाँ पे कोई ना कोई डेफिनेटली पॉजिटिव पार्टिकल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। दैट्स वाई हम इसे जब टच करते हैं तो कोई करंट नहीं लगता, और वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट्स वाई आपस में ही क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ से आइडिया आया साइंटिस्ट के दिमाग में कि डेफिनेटली एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो क्या किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो सेटअप तैयार किया गया था, उसी सेटअप में कुछ मॉडिफिकेशंस की गई, और उन मॉडिफिकेशंस से हमने फाइनली डिस्कवर किया प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम वो सेटअप प्रिपेयर करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिपेयर किया था। तो क्या था वो सेटअप, तो ये सेटअप प्रिपेयर किया गया था फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या था इस सेटअप में, इस सेटअप में था कि एक तरीके से हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब रखी थी, एक तरफ हमने लगाया था कैथोड, एक तरफ हमने लगाया था एनोड, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया था हाई वोल्टेज से, और इस डिस्चार्ज ट्यूब पे हमने क्या निकाल लिया था, सारा का सारा इसमें से वैक्यूम कर दिया था, और हमने लो प्रेशर गैस क्रिएट कर दी थी, ठीक है। और जैसे हमने करंट ऑन किया था, जैसे हमने इसके ऊपर चार्ज, हमने जैसे वोल्टेज अप्लाई करी, तो हमें क्या दिखाई दिया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो जैसे कि कोई ना कोई चीज़ यहाँ से निकल रही है, और यहाँ पे हमने कर दिया होल कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर फॉल करेंगे, और ये थी आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो बनी हुई थी जिंक सल्फाइड से। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, जैसे ही उसके ऊपर कोई चीज़ फॉल करेगी, कोई चार्ज फॉल करेगा, तो वो क्या करती है, ग्लो करती है, राइट। तो हमने क्या देखा था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, कि जब यहाँ से कोई चीज़ यहाँ जा रही थी तो यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा था, बट जैसे ही हम इसको यहाँ से यहाँ पर हम जब फॉल करवा रहे थे, यहाँ हमने होल करवाया, तो यहाँ पर चीज़ क्या कर गई थी, ग्लो कर गई थी, ठीक है। तो अब क्या किया गया, अब हमें साइंटिस्ट के दिमाग में ये तो डेफिनेटली आ ही गया था कि अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो दैट मींस पॉजिटिवली चार्ज्ड भी कोई ना कोई पार्टिकल्स होंगे, राइट।
फिर उन्होंने क्या किया, इसी के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करी, कैथोड एनोड डिफरेंट टाइप के लगा दिए, गैस डिफरेंट टाइप के लगा दी, वोल्टेज और ज़्यादा दे दी, प्रेशर और ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से अब क्या होने लग गया, अब यहाँ पर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी यहाँ पर लगाई गई और कैथोड के ऊपर होल्स कर दिए गए ताकि यहाँ से अगर कोई रेज निकलेंगी, कोई पार्टिकल्स निकलेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो ये चीज़ क्या करेगी, ग्लो करेगी, राइट। तो सेम जैसे उन्होंने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ, जैसे ही उन्होंने वोल्टेज अप्लाई करी और यहाँ पर क्या होने लग गया, इस तरीके से कोई ना कोई रेज निकलने लगी और उसमें से जो रेज थी, वो जो पार्टिकल्स थे, वहाँ से निकल कर यहाँ पर जब फॉल किए तो यहाँ पर क्या होने लग गया, फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर गई। तो यहाँ से डेफिनेटली श्योर हो गया कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज की रेज निकल रही हैं। वाई पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि यहाँ से कहाँ जा रही है, ये एनोड क्या होता है आप लोगों का, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ अगर आ रही हैं तो उन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज रेज और उन्हें हमने बोला कैनल रेज। पॉजिटिवली चार्ज रेस को बोला गया कैनल रेस, जैसे नेगेटिवली चार्ज रेस को बोला गया था कैथोड, कैथोड से निकलती हुई रेस को बोला गया था कैथोड रेस, ऐसे ही यहाँ से निकलती हुई रेस को, एनोड से निकलती हुई रेस को बोला गया कैनल रेस, और दोज वर रेस वर पॉजिटिवली चार्ज रेस। वाई? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज से निकल रही थी, राइट। अब क्या हुआ, ये तो श्योर हो गया कि हाँ जी पॉजिटिवली चार्ज रेज निकल रही हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इसकी हमने क्या पढ़नी थी, प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। तो जैसे जैसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, जैसे कि इन्हीं रेज को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और इधर लगा दिया हमने नेगेटिव चार्ज, जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के लिए किया था। तो अब क्या हुआ, ये जो रेज थी, ये रेज डिफ्लेक्ट कर गई टूवर्ड्स नेगेटिव। यहाँ से श्योर हो गया कि ये रेज डेफिनेटली पॉजिटिव है, दैट्स वाई दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से एक चीज़ श्योर हो गई कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज रेज है। ऑल्सो यहाँ पर उनके बिहेवियर को और जानने के लिए और चीज़ें नोटिस की गई और देखा गया कि सबसे पहली बात कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी बात कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। कब मूव कर रही हैं, जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी थी, ठीक है। तो जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी थी तो सीधी सीधी मूव कर रही थी और यहाँ पे स्ट्राइक करके ग्लो करवा रही थी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसके ऊपर अप्लाई करी तो ये क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्शन आ गई इनके अंदर, यानी कि अपने पाथ से मुड़ गई। और कहाँ मुड़ गई, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मुड़ गई, जिससे पता चल गया कि ये रेस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज रेस है और डेफिनेटली इनके अंदर कोई ना कोई पार्टिकल जरूर प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि जैसे हमने कैथोड रेस में बोला कि उसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसे ही एनोड रेस, ऑब्वियसली कैनल रेस आर ऑल्सो कॉल्ड एनोड रेस, एनोड से निकल रही है तो उन्हें हम एनोड रेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एनोड रेस में भी कोई ना कोई डेफिनेटली पार्टिकल जरूर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ना दिमाग में क्वेश्चन, यहाँ पर साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम इसको कैसे निकालें, कि रेज है, ठीक है, रेज जा रही हैं, हम कैसे बताएंगे कि इसके अंदर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो उसके लिए एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया टू चेक द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन रेस। तो क्या था वो एक्सपेरिमेंट, एक तरीके से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से एक रोटेटिंग पैडल बनाया। रोटेटिंग पैडल आप तरीके से एक समझ लो कि एक तरीके से फैन यहाँ पे लगाया, ठीक है, और इसके ऊपर से रेज पास करवाई। अब रेज जो है ना, चाहे आप यहाँ पर कैथोड रेज लगा लीजिए या फिर एनोड रेज लगा लीजिए, कोई भी रेज लगा लीजिए, दोनों के लिए सेम काम किया गया था टू चेक कि इन रेडिएशंस के अंदर पार्टिकल भी प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो चाहे एनोड फॉल करवाई, चाहे कैथोड फॉल कराई, दोनों के टाइम पर क्या हुआ, सेम ऑब्जर्वेशन। अब क्या ऑब्जर्वेशन हुई, सबसे पहली बात, अगर नॉर्मल रेज ये होती, नॉर्मल रेज का मतलब क्या होता है कि हाँ अगर कोई भी रेडिएशन फॉल कर रही है कहीं पर भी तो वो तो स्ट्राइक कर जाएगी, सीधी चली जाएगी या स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी,
राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही इसके ऊपर पेडल के ऊपर फॉल करवाई गई रेस, ये क्या करने लग गया, ये रोटेट करने लग गया, ये क्या करने लग गया, रोटेट करने लग गया। तो यहाँ पर दिमाग में क्वेश्चन ये आया साइंटिस्ट के कि अगर सिंपल रेडिएशंस होती तो या तो डिफ्लेक्ट करके वापस चले जाते या सीधी सीधी निकल जाती, डिपेंड करता है किस टाइप की रेडिएशंस है। बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इस पैडल को रोटेट करवाया है। रोटेट करवाने का मतलब क्या है कि इसने इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करवाई है, मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल इफेक्ट दिया है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी है इसके अंदर। और मैकेनिकल एनर्जी या मैकेनिकल इफेक्ट किस वजह से आता है, जब उसको कोई ना कोई धक्का लगता है, कोई एक सॉलिड चीज़ लगती है। तो सॉलिड चीज़ यहाँ पे क्या थी, वो शो कर रही थी कि यस डेफिनेटली कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं इन रेज में। अगर खाली रेज होती तो या तो निकल जाती सीधी या डिफ्लेक्ट बैक हो जाती, इसको रोटेट नहीं करवाती। लेकिन जैसे ये रेज फॉल हुई, इधर कैथोड इधर एनोड, ये करने लग गया मूवमेंट, मैकेनिकल इफेक्ट जो बताता था कि डेफिनेटली इन रेज के अंदर क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कैथोड रेज में हमने पता किया कि पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन्स। एनोड रेज में हमने पार्टिकल्स प्रेजेंट पता किए, वो थे पॉजिटिवली चार्ज, जिसको बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन्स। तो इस तरीके से प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। वन मोर थिंग, प्रोटॉन्स को भी चार्ज उतना ही दिया गया जितना इलेक्ट्रॉन्स को चार्ज दिया गया था। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज था, मिलिकेन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने निकाला था, और वो निकाला था 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था, दैट्स वाई इसको बोल दिया गया नेगेटिव। और सेम चार्ज बोला गया कि प्रोटॉन्स के ऊपर भी सेम ही मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, और इसको बोला गया पॉजिटिव। अब सेम चार्ज क्यों बोला गया, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि अगर उसके पास जितना नेगेटिव है तो उतना ही तो पॉजिटिव होगा। दैट्स वाई आप किसी भी चीज़ को टच करते हो तो आपको करंट नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला कि प्रोटॉन्स के ऊपर उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज है, सिर्फ उस पर नेगेटिव है और इसके ऊपर पॉजिटिव है। बट जैसे ही हमने मास की डिस्कवरी करी, मास के बारे में हमने नोट करना शुरू करा, तो हमने ये नोटिस करा कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की बात कर रहे थे, तब जो इसका चार्ज बाय मास रेशो था वो सभी मटेरियल्स के लिए सेम था। दैट इज बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल था, यानी कि आप चाहे गैस चेंज कर लो उसके अंदर की डिस्चार्ज ट्यूब की, चाहे आप एनोड का मटेरियल, चाहे आप कैथोड का मटेरियल चेंज कर लो, सभी के लिए ई बाय एम रेशो सेम आ रहा था। बट ऐसा प्रोटॉन्स के डिस्कवरी में नहीं मिला। हमें मिला कि जो चार्ज बाय मास रेशो था वो डिफरेंट था फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि उसका जो रेशो आ रहा था चार्ज बाय मास रेशो, वो डिपेंड कर रहा था कि किस टाइप की गैस है डिस्चार्ज ट्यूब में, यानी कि नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रहा था। और फाइनली हमें पता चला बाद में कि जो प्रोटॉन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो था आपके पास 9.1 × 10⁻³¹ kg, जो हमने फाइंड किया था फर्स्ट वीडियो में। एंड सिमिलरली जैसे ही प्रोटॉन का मास डिस्कवर किया गया, मास जो इसका डिस्कवर हुआ वो पता चला कि वो होता है 1837 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड मास ऑफ प्रोटॉन एक्चुअल में था कितना, 1.67 × 10⁻²¹ kg। वैसे देखा जाए तो ये भी बहुत कम है, बहुत कम मास है, लेकिन अगर इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है नियर अबाउट 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के।
तो यहाँ तक तो साइंटिस्ट को पता चल गया था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव, तभी हम एक एटम को कहेंगे कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दैट्स वाई हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है। ऑल्सो जैसे ही प्रोटोन के मास उन्होंने फाइंड करा, तो उसके बाद वो ना दूसरे एटम्स के साथ ना इस मास को कंपेयर करने लग गए। तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स उठाए और सबसे पहला एलिमेंट उठाया उन्होंने हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मास को और उन्होंने प्रोटॉन के मास को कंपेयर किया और क्या मिला उन्हें, तो पहला एलिमेंट उठाया उन्होंने हाइड्रोजन। तो सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि हाइड्रोजन या फिर किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस तरीके से रहती है कि ये एलिमेंट का सिंबल NeX, यहाँ हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहाँ हम लिखते हैं एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए लिखा गया 1 and 1। तो यहाँ पर हम सबको पता था कि जो हाइड्रोजन है उसके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई उसके पास एक ही प्रोटोन है, तभी जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, एंड दैट्स वाई इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑल्सो जब उन्होंने मास को कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि इसका मास नंबर 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 है, और उन्होंने इसको कंपेयर भी किया तो उन्होंने देखा कि जो एक हाइड्रोजन का मास था उतना ही एक प्रोटॉन का मास था। तो यहां से उन्होंने ना एक चीज सोची कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मास ऑफ एटम इक्वल हो सकता है मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, यानी कि कितने उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या हो सकता है, उसका मास इक्वल होता हो सकता है मास ऑफ एटम के। तो ये उन्होंने एक तरीके से सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन इस थ्योरी को आगे एक्सप्लेन करने के लिए या उन्होंने कंक्लूड अनाउंस करने के लिए कि हाँ जी ऐसा ही होता है, बट अनाउंस करने के पहले उन्होंने ये चीज़ 2-3 और एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखी कि हाँ अगर 2-3 और एलिमेंट्स के साथ भी अगर यही थ्योरी होती है तो हाँ हम सबको यही कहेंगे कि मास ऑफ जो एटम होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो ऐसे ही कंपेयर करने के लिए उन्होंने उठाया सेकेंड एलिमेंट, दैट इज हीलियम। तो हीलियम को लिखा गया और हीलियम के पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां हम देख सकते हैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 2 ही प्रोटॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, नहीं तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन ये क्या, जब हमने ऊपर देखा तो ये था इसका मास, दैट इज 4, यानी कि इसके पास कितने हैं प्रोटोन, 4 प्रोटोन है। अगर हम ये अप्लाई करें कि मास ऑफ एटम ये है 4 इज इक्वल टू मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन्स, यानी कि इसके पास 4 प्रोटोन्स होंगे, 4 प्रोटोन्स, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने अभी अभी तो बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो 2 प्रोटॉन्स होंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन हीलियम का मास 4 था तो हम कैसे कह सकते थे मास ऑफ नंबर ऑफ 4 प्रोटॉन्स, 4 प्रोटॉन्स कैसे आ सकते हैं? अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम हर एक एलिमेंट के साथ आ रही थी। सेम लिथियम के साथ भी यही प्रॉब्लम आई। तो लिथियम जो था वो क्या था, लिथियम 3 और मास था उसका 7। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ही प्रोटॉन होने चाहिए उसके पास, तभी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन उसका जो मास था वो था 7, तो वो बता रहा था कि इसके पास 7 प्रोटॉन्स होंगे, जो रॉन्ग है, 7 तो नहीं है। अगर 7 होंगे तो एक्स्ट्रा इसके ऊपर चार्ज आएगा। सिमिलरली हीलियम के पास भी अगर 4 प्रोटॉन होंगे तो उसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएगा। तो देखो अगर मैं हीलियम की बात करती हूँ यहाँ पर, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दैट्स वाई 2 प्रोटॉन्स, तभी ये क्या हो सकते हैं, एक तरीके को कैंसिल आउट करके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकते हैं। लेकिन तो अगर इसके पास 4 प्रोटॉन होंगे तो यानी कि इसके पास +2 चार्ज आ जाएगा, है ना, 2 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा हीलियम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ से साइंटिस्ट के दिमाग में आया भाई कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पर कोई ना कोई और पार्टिकल जरूर है जो मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है।
तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम हीलियम एटम की बात करते हैं तो इसके पास थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बट निकल के आए 4 प्रोटॉन्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रॉन एक जो है वो दूसरे प्रोटॉन के साथ अटैच होके खत्म कर दिया, उसने न्यूट्रल कर दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे प्रोटॉन के साथ एडजस्ट होके उसने भी एटम को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। बट अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहे हैं जिसकी वजह से एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है, जब एटम के ऊपर तो चार्ज हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब यहाँ से ना हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन ना होकर कोई एक ऐसा पार्टिकल हो सकता है कि जिसका जो मास हो ना वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल हो लेकिन वो न्यूट्रल हो। क्यों? क्योंकि वो मास तो प्रोटॉन के इक्वल आ रहा था, तो यानी कि कोई एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल हो लेकिन वो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल क्यों हो? अगर उसके ऊपर चार्ज आएगा तो एटम के ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, वो तो हम चाहते ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोटॉन्स के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के साथ तो एडजस्ट हो गए, 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन की वजह से हमें लगा कि यहाँ पर एक ऐसे पार्टिकल की डिमांड है जिसका मास प्रोटॉन के इक्वल हो और वो न्यूट्रल हो। तो वहां से उन्हें पता चला कोई ना कोई एक न्यू पार्टिकल डेफिनेटली प्रेजेंट है जो किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसका जो मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। तभी हाइड्रोजन जो हीलियम है उसका जो मास है वो 4 है, लेकिन उसके पास 4 प्रोटॉन ना हो कि उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स है। दैट्स व्हाई जो एक्स्ट्रा पार्टिकल जो है उसके पास मास ऑफ प्रोटॉन है लेकिन वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि हीलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन है, दैट्स वाई इट इज न्यूट्रल। कोई और अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो यहाँ से दिमाग में उनके ये आया कि जो नया पार्टिकल है जो मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है लेकिन उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उस पार्टिकल को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। तो यहाँ से हुई थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो नया पार्टिकल न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है लेकिन जिसका मास मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। अब हम ऐसे कैसे कह दें कि हाँ जी कोई एक ऐसा पार्टिकल है और जिसका मास ये होगा, लेकिन उसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा हमें। तो प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, उस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ली गई यहाँ पर बेरिलियम मेटल, और इसके ऊपर फॉल करवाए गए अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल्स किसके ऊपर, बेरिलियम के ऊपर, ठीक है। नाउ अगेन अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम एटम्स या हीलियम आयंस, यानी कि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो इसके पास क्या बच गए, 2 प्रोटॉन्स बच गए, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल। तो ये लिया हमने अल्फा पार्टिकल, फॉल करवाया बेरिलियम के ऊपर, तो बेरिलियम का एटॉमिक जो नंबर है वो है कितना, दैट इज 4, और इसका जो एटॉमिक मास है दैट इज 9, ठीक है। जैसे हमने इसके ऊपर फॉल करवाया, इसके अंदर से जो रेडिएशंस निकली, जो रेडिएशंस निकली उसको फॉल करवाया गया वैक्स के ऊपर, पैराफिन वैक्स के ऊपर। अब पैराफिन वैक्स के ऊपर जैसे ही फॉल करवाया तो ये जो कुछ रेडिएशंस थी वो तो सीधे की सीधी बाहर की तरफ निकल गई, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इसी के अंदर रह गए। तो ये जो पार्टिकल्स रह गए इनको ऑब्जर्व किया गया, और ऑब्जर्व करने से पता चला कि जब ये रिएक्शन हुई थी तो क्या बना था, ये बना था, एक तो कार्बन बना था प्लस एक और पार्टिकल निकला था जिसका जिसका जो चार्ज था वो तो कुछ भी नहीं था लेकिन मास था 1। तो जब अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर फॉल करवाया गया हमें मिला कार्बन प्लस एक एक्स्ट्रा पार्टिकल जो यहाँ पर इस पैराफिन वैक्स में फंस गया था, और उसको बाद में ऑब्जर्व किया गया और वो क्या निकल के आया,
न्यूट्रॉन, जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल था और वो न्यूट्रल था। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो यू विल गेट टू नो दैट 2+4, 6+0, ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस वैलिड। ऊपर देखें हम तो क्या है, दिस इज 4+9, that is 13, और यहाँ देखा जाए तो 12+1, 13, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो वैलिड। तो ये रिएक्शन थी जब एक अल्फा पार्टिकल बेरिलियम के ऊपर फॉल करवाएगा और वहां से हमें पता चला कि एक ऐसा एक एक्स्ट्रा पार्टिकल होता है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, जो मास में कॉन्ट्रीब्यूट करता है लेकिन चार्ज उसका नहीं होता। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था ये किया गया था, ये डिस्कवरी की गई थी बाय जेम्स शैडविक, तो कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, चैडविक भी प्रोनाउंस करते हैं, 1932 में। तो इनका पूरा नेम था जेम्स शैडविक और डिस्कवरी हुई 1932 में, बहुत लेट डिस्कवरी हुई। क्यों लेट डिस्कवरी हुई, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि इसके पास था न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। तो आप खुद देखिए, अगर क्लास में कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट है या कोई एक बच्चा शरारती है तो वो दोनों के दोनों टीचर के नोटिस में आते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा शांति से चुपचाप बैठ के अपना काम करने वालों में से है तो टीचर को नेक्स्ट डे पता भी नहीं चलेगा कि वो एबसेंट था या प्रेजेंट था। तो सेम न्यूट्रॉन भी चुपचाप बैठे हैं, ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है, साइड में लगा हुआ है बेचारा चुपचाप। तो इसीलिए इसकी डिस्कवरी भी क्या हुई, बहुत लेट हुई। तो यहां तक हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एंड वेरी इंटरेस्टिंगली और उसका ही क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी उतना ही होता है, ठीक है। लेकिन हमने एक और चीज पता करी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों के दोनों कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास पे। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब फिर से एक कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अब लिथियम का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लिथियम 3, 7, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, दैट्स वाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 3 है, एंड दैट्स वाई इसका एटॉमिक नंबर भी कितना है, 3 ही है। लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो है कितना, 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये 7, प्रोटॉन्स हैं 3, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे इसके, 7 - 3 विच इज इक्वल टू 4, तो इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 4 है। तो अगर न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी ना हुई होती हम क्या कहते हैं, 3 ही प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन हो जाएंगे, 7 प्रोटॉन का मतलब 4 एक्स्ट्रा चार्ज। तो इसीलिए यहाँ पर फाइनल डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन्स की, जिन्होंने बताया कि इसका मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, राइट। तो जैसे ही न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, अब हम यहाँ पर वापस से लिख सकते हैं कि ये जो दो एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स थे अब यहाँ पे क्या आ गए थे, न्यूट्रॉन्स। तो हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन बट 2 न्यूट्रॉन्स एज वेल, राइट। तो ये थी ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।